Hello guys, good morning. So this guy doesn't need any introduction at all. आपने इनको YouTube पे भी देखा होगा, Instagram पे भी देखा होगा. बहुत ही अच्छा पावर लिफ्टिंग एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ. और चलिए आज इनसे कुछ पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये सोचते हैं अपनी फिटनेस फील्ड के बारे में. तो चलिए गाइस. हेलो पाजी, आपने अपना टाइम दिया कि आप अब यहाँ पे आए और हमें भी अपना टाइम निकाला. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. बस बातचीत करनी है कुछ, देखते हैं क्या होता है. चलो अच्छा होगा जो होगा. सो पाजी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने फिटनेस फील्ड को क्यों चूज़ किया और कब चूज़ किया, ऐसा कुछ फॉर्म में. सी, सबसे पहले 2010 में मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी फिटनेस जर्नी की, आप बोल सकते हो. तो मैं क्रिकेट खेलता था, लेकिन मेरी जो टीम थी वो सभी अलग अलग कॉलेजेस में चले गए थे लड़के. तो हमारा खेलना बंद हो गया था, अलग अलग सिटीज़ में मूव कर गए थे. तो मैं अकेला बोर होता था, मैंने बोला मैं क्या करूं, बिकॉज़ मैं आइडल बैठ नहीं सकता था. तो मैंने वैसे ही भागना शुरू कर दिया, बाहर जाके रनिंग करनी स्टार्ट कर दी. तो धीरे धीरे रनिंग में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, रनिंग करने लग गया. फिर रनिंग के बाद रनिंग से बोर हो गया, क्योंकि सारा दिन भागना रहना बोरिंग, राइट. देन आई स्टार्टेड विद, आई गॉट सम पुशअप हैंडल्स एंड डंबल्स, जो घर पे मैं लेके आया अपनी पॉकेट मनी से खरीद के. तो मैंने घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया. तो धीरे धीरे उसकी बहुत आदत पड़ गई, बहुत अच्छा लगने लगा. फिर ग्रेजुअली आई मूव टू जिम 2010 में, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. तो पाजी, फ्रॉम सिंक दमन टू सिक्स पैक, हाउज दिस बीन जर्नी टू यू, ये जर्नी कैसी रही आपके लिए? जर्नी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला. और मैं सोचता हूँ कि मुझे फिटनेस फील्ड में इतना कुछ जो मैंने एक मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे सीखा, वो अगर मैं 9 to 5 जॉब में होता तो शायद ना सीख पाता. जो लोगों के बारे में सीखा, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सीखा, कि हाउ पीपल रिस्पोंड टू यू, एंड हाउ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स कैन लव यू सो मच, एंड हाउ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स कैन आल्सो हेट यू सो मच फॉर योर रॉ ओपिनियंस ऑन थिंग्स, राइट. सो बहुत कुछ, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. जी, आपका कोई ऐसा फनी मिथ जो आपके पास कोई बंदा लेकर आया है, कोई भी फनी मिथ जिसको आप पहले बहुत ही जोर से हंसे एंड देन आपको ने उसको क्लियर भी किया है, कुछ ऐसा मिथ? देखो, फनी तो ऐसे बहुत से मिथ होते हैं उनका हंसना. लेकिन एक मेरा जिम में ही मैंने देखा था, एक टीम होती थी 4-5 जनों की, मतलब बड़े बड़े टाइप होते थे. और वो क्या करते थे कि एक बोतल में उनकी मास गेनर भरा रहता था वर्कआउट के दौरान, और दूसरी बोतल में फैट बर्नर्स वाला सोल्यूशन होता था. तो वो दोनों एक साथ पीते थे. तो मैं उनसे पूछा कि ये क्या है, मतलब मास गेनर भी है, ये फैट बर्नर्स वाला ये है. तो बोले इससे मसल गेन होगा और इससे फैट भी नहीं बढ़ेगा आपका. तो ये मैंने मिथ उनको क्लियर नहीं की एक्चुअली, बिकॉज मैं हंस रहा था थोड़ा सा. लेकिन और मुझसे बड़े भी थे काफ़ी, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको ऑफेंड करूँ कुछ बता के, है ना. तो आई प्रेफर टू स्टे साइलेंट. तो मैं नहीं बोलता, मैं उस टाइम पे अच्छा अच्छा ऐसे कर देता हूँ. तो ऐसी बहुत सारी हंसी वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं फिटनेस फील्ड में, क्योंकि इसमें कल्चर ऐसा है कि कोई भी आपको फिटनेस के बारे में कुछ भी बता सकता है. आपका दूध वाला, आपका नाई, है ना, आपका किराने वाला, सबको पता है फिटनेस के बारे में, सब एक्सपर्ट हैं. सब एक्सपर्ट हैं फिटनेस के मामले में, सारे एक्सपर्ट बनते हैं. देखिए, ठीक. सुपा जी, जैसे जनरली पीपल कम टू अस, आज भी कल भी हमारे पास एक बंदा आया, ही वॉज कमिंग विद लिपो 6. और उससे पहले हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं, लिपो 6 लेके आते हैं, हाइड्रोक्सी कट लेके आते हैं. बेसिकली दीज आर फैट बर्नर्स, है ना. सो फैट बर्नर्स से वो बोलते हैं कि फैट जल्दी लॉस होगा, फैट बर्न जल्दी होगा. तो इसके बारे में आपको उनको क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले वो शायद मिसलेड हो जाते हैं, वो नए होते हैं इस फील्ड में. तो बिकॉज प्रोडक्ट का नाम होता है फैट बर्नर, वो उसको बिल्कुल लिटरली ले लेते हैं कि हाँ ये फैट बर्न कर देगा. बट एट द सेम टाइम कुछ लोग इसको प्रमोट करते हैं, अगर किन्होंने अपनी सेल करवानी है, कोई ट्रेनर बेच रहा है शायद, या कोई सप्लीमेंट स्टोर वाला बेच रहा है, वो तो बेचेगा ही, ठीक है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि फैट बर्नर्स काम नहीं करते. आपने जनरली सुना होगा कि फैट बर्नर आर वेस्ट ऑफ मनी. आई वॉन्ट से कि दे आर वेस्ट ऑफ मनी, बट डिपेंड करता है आप किस लेवल पर आके उसको यूज़ कर रहे हो. आप पहले एक ओबीज इंसान हो, आपकी खाने पीने की आदतें गलत हैं, आप वर्कआउट नहीं करते, आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप सोचोगे कि मैं पिल खा लूँगा और उससे फिट हो जाऊँगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है.
अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, आप मतलब 10% 12% बॉडी फैट पे पहुंच गए हो, उसके बाद आपको थोड़ा और फैट घटाना है, तब आप फैट बर्नर का इस्तेमाल करते हो, तब दे कैन हेल्प यू। बट अगर आप सोचो कि आप 30% बॉडी फैट पे बैठे हो और आप फैट बर्नर खा के सब कुछ कर लोगे, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी ऑन फैट बर्नर्स। ठीक है, और उसका एक पॉइंट रीच कर जाओगे अपना सैचुरेशन पॉइंट, और आपको डोज और बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट दिखेगा, और उतनी डोज से आपको साइड इफेक्ट्स स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। और द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग क्या है कि उनके जिम ट्रेनर्स ही उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप ये ले लो। जी इसे देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल जो लोग जिम्स में आते हैं उनको बहुत जल्दी रहती है। कसूर सिर्फ जिम ट्रेनर्स का नहीं होता है कि जिम ट्रेनर ने बोला। अगर आप इतनी जल्दी में हो, आपको 2 महीने वर्कआउट नहीं करना है, 4 महीने वर्कआउट सिर्फ देखना भी नहीं है, एक्सरसाइज सीखनी नहीं है, आपको गोल ही है ये फैट लॉस करना है मुझे फटाफट, है ना, तो ट्रेनर क्या बोलेगा? ट्रेनर यही बोलेगा कि यार ये ले ले। सो गाइस, स्टे अवे फ्रॉम फैट बर्नर्स। इफ़ यू आर रियली वांट टू टेक दिस फैट बर्नर्स और कटिंग सप्लीमेंट्स कुछ भी, तो आप जनरल एक फैट एक परसेंटेज होता है वहाँ पे पहुँच जाओ एंड देन उसके बाद यू कैन टेक दिस, है ना। सो पाजी, कुछ बंदे हमारे पास लेकर आते हैं कि कार्ब्स हमारी डाइट में ऐड मत करो, राइस हमारी डाइट में ऐड मत करो, हमारी डाइट में पोटैटोज मत ऐड करो कि हम इससे मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पाजी इसका कुछ उनको क्या बताओगे? मुझे लगता है जो कार्ब्स का डर है लोगों में, वो जनरली वो देख लेते हैं दूसरे लोगों को कीटो करते हुए। कीटो, तो कीटो में क्या होता है कि वो सिर्फ फैट्स और प्रोटीन्स ले रहे होते हैं, और उनको रिजल्ट मिल जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है जो भी है, और बिकॉज उन्होंने अपनी डाइट में कार्ब्स कट किए होते हैं, तो दे फॉर्म अ थिंग इन देयर माइंड कि शायद कार्बोहाइड्रेट्स आर द रीज़न दे गॉट फैट, बिकॉज अब उन्होंने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, अब वो थोड़े वेट लूज कर गए, तो इससे ये भ्रम उनका पैदा हो जाता है कि कार्ब्स आर मेकिंग यू फैट, बट द रीज़न इज कार्ब्स आर नॉट मेकिंग यू फैट, योर ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज आर मेकिंग यू फैट। आप ओवर एक्सेस कंजम्पशन कर रहे हो तो आप फैट हो रहे हो, है ना। आप अपनी डाइट में से एक पूरा मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है कार्बोहाइड्रेट हटा दोगे तो आप डेफिनेटली फील करोगे कि ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे, तो फैट गेन कैसे करोगे? सिमिलरली अगर आप डाइट से पूरा फैट ही निकाल देते हो, सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन खाते हो, फिर भी आप फैट लूज कर जाओगे थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि कैलोरीज बहुत कम करनी पड़ेंगी। तो दिस इज द पाजी, हम आपको 2010 से फॉलो कर रहे हैं, हमने देखा फ्रॉम सिंक दमन टू सिक्स पैक, वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। और जैसा कि होता है कि हर स्पोर्ट में एक राइवलरी होती है, जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की होती है, इंडिया श्रीलंका की राइवलरी है नहीं, सो वैसे ही आपकी राइवलरी हमने देखी है। बट मैं उस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाहता कि उस बंदे का नाम है क्या, क्योंकि वो दैट पर्सन इज़ जस्ट शिट। नहीं, नाम लेना भी नहीं हमने, हाँ नाम लेना नहीं चाहिए हमें। सो पाजी, और हम आपको थैंक यू करते हैं कि आपने बहुत सारे बंदों का, बहुत सारे यंगस्टर्स का डाउट क्लियर किया कि ये बंदा गलत बता रहा है, कि ये बंदे गलत बता रहे हैं। यू हैव सेव्ड मैनी लाइव्स। सो पाजी, ऐसा ही हम कुछ देखने को देख सकते हैं कि 2020 में भी हम ऐसा कुछ राइवलरी होगी? सी देखिए, राइवलरी या ये कॉन्ट्रोवर्सी मैं नहीं करता हूँ खुद, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ गलत लगती है मैं उसके बारे में बोल देता हूँ। और ये जो केस आप बोल रहे हैं, ये भी स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम की स्टोरी से। बंदा था एक यूट्यूबर, वो बोल रहा था आप इस चेस्ट एक्सरसाइज को ऐसे करो, चेस्ट की कैलरीज बर्न हो जाएंगी। तो बहुत मुझे फ़नी लगा, मैंने ये चीज़ अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर की, मैंने बोला क्या हो रहा है, तो वो बंदे का थ्रेट मैसेज आ गया मुझे कि मैं तुझे गालियाँ दिलवा दूँगा अपने सब्सक्राइबर से। तो आई वॉज़ लाइक कि ये कैसे बिहेव कर रहा है कि गालियाँ दिलवा देगा, धमकी दे रहा है। देन आई वेंट ऑन एंड ऑन कि, है ना, कि सो उसके बाद मुझे बहुत हेट आया कि तू उससे हेट कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन बाद में सेम लोगों ने मुझे थैंक यू मैसेजेस भेजे इतने सारे कि आपकी वजह से मैं बच गया, मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, है ना, आज तक मैसेज आते हैं। तो मतलब मैंने इनिशिएटिव लिया, उसके बाद उसके ऊपर कितनी एक्सपोज वीडियोस बन गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इनिशिएटिव मैंने लिया था। लेकिन मुझे हेट मिला उस टाइम पे, बाद में लोगों को पता लग गया गलती किसकी थी, राइट? तो भाजी, आप ये बताइए कि कोई एनी फिटनेस टिप यू वॉन्ट टू गिव आवर ऑडियंस, जो भी सब्सक्राइबर हमारे हैं उनको क्या फिटनेस टिप देना चाहेंगे आप? सी, मैं एक जनरल लोगों को बहुत पूछते हैं कि हम जिम नहीं जाते, हमें बॉडी बिल्डर नहीं बनना, तो हम कैसे फिट रहें? तो सबसे पहले जिम को ये मत सोचो कि जिम सिर्फ बॉडी बिल्डर जाते हैं। जिम हर इंसान जो अपने आप को हेल्दी देखना चाहता है, कम मेडिसिन यूज़ करना चाहता है आगे स्टेज पे जाके, वो जा सकता है। अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, वो जा सकता है, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, ठीक है मत जाओ, लेकिन आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट ज़रूर लो। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, है ना, इसमें हफ्ते में 2 या 3 बार पार्ट ज़रूर लो। वो भी नहीं कर सकते तो रनिंग के लिए जाओ, कुछ भी ऐसा करो, लेकिन ज़रूर करो।
लेकिन लोगों को वो भी नहीं करना है, कोई एक्टिविटी भी नहीं है, फिर बोलेंगे जिम भी नहीं जाना है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी फिट, राइट? एट द सेम टाइम इंडियन डाइट में मैं बोलूँगा कि अपनी प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दो, बिकॉज अपनी इंडियन डाइट में क्या होता है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में जो प्रोटीन है बहुत कम रहता है. अगर डाइट में प्रोटीन बहुत कम रहेगा तो आपके मसल्स वीक फील करेंगे और अल्टीमेटली डिटेरियोरेट होते जाएंगे और आपको बैक पेन, ये पेन, वो पेन, वो आते रहेंगे इशूज. सो कम से कम 1 ग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन ज़रूर खाएँ. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप प्रोटीन अपना पूरा कीजिएगा इस. उसके बाद आपके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए. सो पाजी, जिम से हम आते हैं जिम पे ही कि आजकल फिटनेस का मतलब है यंगस्टर्स में कि हैविंग एब्स ओनली, कि एब्स को ही वो फिटनेस से रिलेट करते हैं कि एब्स, हैविंग एब्स इज देयर अल्टीमेट गोल. सो उनको आप क्या बताना चाहोगे कि एब्स और फिटनेस? सी, मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे यूट्यूब पे, मैं काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़्यादा बातें करता हूँ कि डेड, मेरी वीडियो देखोगे आप, डेड लिफ्ट कैसे बढ़ाएं, बेंच प्रेस कैसे बढ़ाएं, आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ. मैं समझता हूँ कि नेचुरल जो बंदा कर रहा है वो अगर अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देगा उसकी अच्छी फिजिक बन जाएगी आके. लेकिन अगर आप ध्यान ही सिर्फ एब्स पे दोगे जो लास्ट स्टेज में आपके होते हैं, ठीक है, आप बाकी चीज़ें जो वेट लिफ्टिंग है उसकी टेक्निक है उस पर ध्यान नहीं दोगे, है ना, जो आपकी एक अच्छी डाइट है उस पर ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ एब्स पे ही फोकस करोगे. एब्स आपको पता है कब आते हैं? जब आप स्टार्व करते हो, एक्चुअली जितनी कैलरीज आपको चाहिए उससे कम खा रहे होते हो, ठीक है, वो आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते. वो आप फोटोशूट के लिए कर सकते हो, दैट्स फाइन. कोई कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन कर रहा है टेम्परेरी 2-3 महीने के लिए कर सकते हो, दैट्स फाइन. लेकिन 12 महीने आप नहीं कर सकते हो. हाँ, कभी नहीं, ठीक है. अगर आप इंस्टाग्राम मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड हैं क्योंकि उनकी 12 महीने आप पिक्चर्स देखते हो, वो हमेशा रिप्ड रहते हैं, तो उनका ये काम है, वो काम है उसके, उनका लिए काम है, दे गेट पेड फॉर दैट एंड दे मेक सेक्रीफाइसेस फॉर दैट. एट द सेम टाइम वो 2 महीने में ये शूट करवाते हैं, वो पूरा साल उसकी पिक्स पोस्ट करते रहते हैं. दिस इज द पॉइंट. तो आपको लगता है कि पूरा साल शायद वो रिप्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है. और तीसरी चीज़, दे कैन बी ऑन परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, दे कैन बी ऑन स्टीरॉयड्स ऑल्सो, बट यू आर नॉट ऑन स्टीरॉयड्स, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस. सो सिर्फ एब्स पे ध्यान मत दें. एब्स तो यार बाहर मजदूर के भी होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा खाना नहीं खाता है. हाँ. अगर खाता भी है तो काम बहुत करता है, काम बहुत करता है, ठीक है. तो आप स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, एक अच्छी आपकी स्ट्रेंथ पे ध्यान दोगे तो आपकी जो हार्मोन लेवल्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे, आपकी सेक्स लाइफ बेटर होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी और आप वेल बींग फील करेंगे. पाजी, हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कोलैब विद अदर यूट्यूबर्स, सो हम ये कब देख पाएंगे कि आप कोलैबोरेशन कब किस तरह कर रहे हो, ऐसा कुछ देख पाएंगे? सी, मुझे काफ़ी मैसेज करते हैं लोग इंस्टाग्राम पे भी और बोलते हैं कि कोलैबोरेट करते हैं आपके साथ, हम कोलैब वीडियो बनाते हैं. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोलैब करने से, लेकिन मेरे पास खुद का ही इतना कंटेंट है कि मैं पोस्ट करता रहूँ उससे टाइम ही नहीं मिलता. तो मैं कोलैब इसलिए कर नहीं पाता किसी को बोलूँ कि मेरे पास आ, मैं या तेरे पास आऊँगा, हम वीडियो बनाएंगे इकट्ठे, है ना, तो मैं अवॉइड कर देता हूँ. मैंने सोचा था मैं 1 लाख सब्सक्राइबर करने के बाद कोलैब करूँगा, लेकिन अभी 1,90,000 के करीब हो गए हैं, अभी तक नहीं किया मैंने. अब मैंने सोचा कि 2 लाख के बाद करूँगा फर्स्ट टाइम कोलैब, देखता हूँ करता कोई नहीं, ठीक है, बट होपफुली मैं करूँगा आप 2 लाख के बाद, ठीक है, कोलैबोरेशन होएगा. अगर आप खुद अच्छे हो यार, अगर आप खुद नॉलेजेबल हो तो आप अपने आप पर भी ग्रो कर सकते हो. आपको जरूरी नहीं है कि कोलैब करना बहुत ज़रूरी है. सो गाइस, दिस वाज ऑल. जो भी क्वेश्चंस पूछने थे, क्वेरीज थी, हमने पाजी से क्लियर की, और होपफुली कि आपको भी इनके जो आंसर्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपके फिटनेस लाइफ में, ताकि आप स्ट्रेंथ के लिए वर्क कर सको, अपने डाइट में अपना अच्छा काम कर सको, फेक सप्लीमेंट से बचकर रहो, जेन्युइन सप्लीमेंट ही खरीदो. और पाजी, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे टू आवर ऑडियंस और हमारे सब्सक्राइबर्स को कि जो हमें देख रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे? Okay guys, I think they are good and smart, knowledgeable people, and question जो इन्होंने पूछे काफ़ी smart थे, और hopefully मेरे answer आपको अच्छे लगे होंगे. और इनका channel भी subscribe कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं. That's it, that's all I want to say. पाजी, thanks for your time, कि आपने precious time दिया अपना schedule में से. आपका meetup भी है इसके बाद, जैसे कि new year आ रहा है पाजी, so new year पे what do you want to convey to our audience? देखिए, न्यू ईयर आ रहा है तो आपको मैंने पिछले एक्सपीरियंस से देखा है अपने कि न्यू ईयर में, जनवरी में जिम्स की मेंबरशिप बहुत हाई हो जाती हैं, दिसंबर में बहुत लो रहती हैं, जनवरी में बहुत हाई हो जाती हैं, बिकॉज लोगों का मोटिवेशन लेवल हाई होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं. तो ठीक है, अच्छी बात है, आइए जिम्स में और स्टार्ट ट्रेनिंग, है ना. अगर आप फेल होते हो, 1 हफ्ता नहीं कर पाते हो, 2 हफ्ता नहीं कर पाते हो, क्विट करते हो, दोबारा फिर ट्राई करो. हम सब फेल होते हैं, सिर्फ आप नहीं,
देन कीप ऑन ट्राइंग अगेन. ये मत सोचो कि मैंने फेल कर दिया, मैं नहीं जिम जा पाया तो मैं लूजर हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ अभी. ठीक है, कीप ऑन ट्राइंग अगेन. एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, देन कीप ऑन ट्राइंग अगेन, बिकॉज दिस टाइम मोटिवेशन इज हाई, तो डेफिनेटली यू विल रीच योर गोल्स. सो गाइज, लेट्स एंड विद दिस. स्टे फिट, स्टे हेल्दी.